जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे से यूट्यूब के साथियों। तो आज जो है वो मुझे पता है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और ये वीडियो जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो मुझे बना लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं बना नहीं पाई। तो हम अवार्ड्स में जो है वो हमारी जो प्यारी प्यारी सी हैं सेलिब्रिटीज़, उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की, किसने क्या पहना, किसने क्या किया, वो आज हम डिस्कस करते हैं और किस तरह से सेलिब्रेट किया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी थैंक यू। सबसे पहले बात की जाती है हानिया आमिर और फरहान सईद की, बात की जाती है, इन्होंने इकट्ठे डांस परफॉर्मेंस की, इकट्ठे आए, बहुत अच्छा गेस्चर दिया। लेकिन 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 फ्रेंड्स जो हमारी उर्वा है वो अकेली आई थी और ये दोनों एक साथ आए थे, कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो, क्या ये तो वो अकेली आई, उसके साथ भी किसी को भेज देते। अरे भाई वो दोनों साथ आ गए तो क्या हो गया कि अगर उनका जो है वो डाइवोर्स हो गया था पर उनके साथ भी किसी को भेजना चाहिए था। अरे भाई क्या हो क्या है आप लोगों को, नॉर्मली क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग। अरे उन्होंने ड्रामा साथ किया, फ्रेंड्स हैं, दोनों ने साथ में गेस्चर एक दिया, साथ में आ गए वहाँ पर, अब डाइवोर्स तो हो ही चुका है उन लोगों का, वो क्या करने के साथ आए। अब उर्वा भी किसी को ना किसी को ढूंढ ही लेती है। अरे भाई ये दोनों लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने एक दूसरे को फेस करना पड़ता है, इनका एक साथ ड्रामे आते हैं, इनकी भाई ज़िंदगी ऐसी है, वरना छोड़ दो फिर। जी तो दूसरे नंबर पर बात की जाए हमारी प्यारी प्यारी सी माहिरा की। माहिरा इस ब्लैक से आउटफिट में बहुत ही कमाल की लग रही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया लोगों पे, लेकिन ध्यान तो दिया यार, उन्होंने सब पे ही ध्यान दिया। उन्होंने फैंस को भी जो है वो बहुत ही अच्छे से ऑटोग्राफ दिया और ऑटोग्राफ देने के बाद वो जल्दी से भाज गई अपने शो की तरफ। उन्होंने कहा कुछ मिस ना हो जाए, लोग देखते ही मुँह रह गया। क्या बात करनी, ये कपल है ही बहुत प्यारा है, इस कपल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये कपल बहुत अच्छा है, बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही अच्छी ड्रेसिंग करके आए थे। तो अब चलते हैं अगले की तरफ। अगले की तरफ क्या, ये मुझे वैसे पर्सनली मुझे पहले ड्रामे में जो है वो बशन मोमिन में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बाद से मुझे पता नहीं क्यों जहर लगने लगी। जब भी किसी शो में आती है बहुत ही शोकी लग रही होती है, बहुत ही शोकी से ड्रेसिंग कर रही होती है, अजीब सी हरकतें कर रही होती है, इसके बारे में तो बंदा दिल करता है बोले ही ना। लेकिन अब बात करते हैं उसके बाद हम अपने इकरा अजीज और यासिर हुसैन की। बहुत अच्छा सा लंबा सा इन्होंने गाउन पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये सही जो है वो अपने पाकिस्तान की ड्रेसिंग को जो है वो शो कर रही हैं। लेकिन जैसे ही एक कुमी तो पता नहीं की कुमी लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस पर एतराज़ात हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या बात होगी भाई, स्लीवलेस, चलो कोई बात नहीं, स्लीवलेस पहना है लेकिन लॉन्ग पहना हुआ है, फुल कवर है, लेकिन 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 कुमने ये बात पता चला इसने तो बैकलेस पाया हुआ है। अरे बैकलेस पाया हुआ है, इसलिए लोगों को ये चंगी नहीं लगी, लोगों ने इसको फाड़ के इतना कंट्रोल किया, उन्होंने कहा शौकी होगी या बहुत ही ज़्यादा। अरे जब ड्रामा में आती है तो पता नहीं क्या कैसे कैसे कपड़े पहनती है। अरे ये क्या, उफ़ ये ब्यूटी, उफ़ अल्लाह। और जी सबसे डिसेंट मुझे तो भरी पर्सनली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो है वो ज़ारा नूर अब्बास की जो है वो ये साड़ी बहुत ही कमाल की लग रही थी। बस इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे एमन सलीम की। एमन सलीम ने पहना हुआ था फुल वेस्टर्न और इसने भी कहा मैं भी आप दियाँ बाबा वखा के रहनी हुआ, मेरी बाबा भी गोरियाँ चिट्टियाँ मुँह के नाल नाल, मैं भी पूरी दी पूरी गोरी चिट्टियाँ। और इसने जो है वो कॉपी किया हुआ था फुल ऑन अनन्या पांडे को। अनन्या पांडे ने भी इसी तरह का जो है वो एक मॉडलिंग शो में या वैसे ही किसी शो में जो है वो ड्रेस पहना हुआ था, उसने भी ये पहन के बताया कि मैं भी पा सकती हूँ, मैं भी कैरी कर सकती हूँ। लेकिन समझ नहीं आता कि ये लोग जब इस तरह यहाँ पर पहनते हैं तो फिर ड्रामे च क्यों इदनियाँ बन जाएँ। उसके बाद से बात करें हम अपनी बेस्टेस्ट एक्ट्रेस की, आयज़ा खान, हमारी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी एक्ट्रेस। लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा इनका ड्रेस जो है वो अच्छा था, लेकिन इन्होंने कॉपी करने में ड्रेस जो है वो बहुत ही मुझे थोड़ा सा ना लो सा लगा, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा कॉपी नहीं कर पाई। बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, साड़ी पहनती हैं, ड्रेसेस पहनती हैं, बट यहाँ पर इनका ड्रेस जो है थोड़ा सा ओल्ड फैशन सा भी लग रहा था, क्योंकि कॉपी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मतलब ये स्लीव्स और वो पीछे पता नहीं कुछ हो ही गया सीगा। अब उसके बाद जी हम बात करें जी सबूर अली की। सबूर अली का मेकअप जो है वो बहुत ही धांसू हुआ था, बहुत ही कमाल की लग रही थी, और इनके हेयर स्टाइल, इनकी ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छी लग रही थी। पर बाबा तेना ने भी वकाई हुई ऐसे क्या बैग दिखाई हुई थी, सारा कुछ वकाया हुआ ऐसे का, पर पता नहीं लोगों ने इनको भी पसंद नहीं किया। वैसे तो ड्रेस तो इनका अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बाकियों को पसंद नहीं किया गया, वो कहते हैं कि सब जो वहाँ पर अपनी वजन को शो करवा रही हैं तो ये क्यों ना पीछे रहें। तो जो है दाना ने बी ने जो है बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई थी, फुल स्लीव्स पहने हुए थे, फुल स्लीव्स नहीं गलत हो गया, फुल स्लीव्स नहीं पहने हुए थे, उन्होंने जो है स्लीवलेस ड्रेस पहना हुआ था, बाइक की आवाज़ को इग्नोर माना जाए, और जो है उन्होंने लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, फुल लॉन्ग था, लेकिन अच्छी लग रही थी ओवरऑल, कुछ भी बेहूदगी नहीं की हुई थी उन्होंने।
अगर मैं बात करते हैं हम अपनी सोनिया हुसैन की, इन्होंने जो है वो तकरीबन तकरीबन शहनाज़ के लिए एक ड्रेस को कॉपी किया और तकरीबन प्रियंका चोपड़ा 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 को भी इन्होंने कॉपी किया। तो अच्छी तो लग रही थी, लेकिन ट्रॉलिंग में तो फिर भी जहाँ सबको ट्रॉल किया गया वहाँ इनको भी ट्रॉल किया गया। तो जी जब सबको ट्रॉल किया गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर दो। और जी बस इतनी सी बात, और हम नहीं करते इनकी भी बुराई।